हे गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन, आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। लेकिन यार, अगर आपने मेरी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ देख लें, बिकॉज एंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हमारा वो वेक्टर की कंपोनेंट्स पे बेस्ड है। और अगर आपने देख लिया तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर हम कहें टू डायमेंशनल मोशन, ये एक ऐसा मोशन होता है जिसमें जो चेंज होता है वो एक्स में भी होता है और वाई में भी होता है, मतलब एक्स डायमेंशन में भी होता है और वाई डायमेंशन में भी होता है। लेकिन अगर हम लीनियर मोशन की बात करें, वन डायमेंशनल मोशन, तो उसमें जो चेंज होगा वो या तो पर्टिकुलरली एक्स में होगा या तो फिर पर्टिकुलरली वाई में होगा। तो यार, आज प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही फेमस गेम है, एंग्री बर्ड्स। तो आपको पता होगा, अक्सर आपने खेला होगा एंग्री बर्ड। तो एंग्री बर्ड में क्या होता है, हमारे पास एक बर्ड होती है जिसको हम खींचते हैं तो, और खींच के छोड़ते हैं इसकी गुलेल से, तो यार वो जाती है और कई सारे पिग्स होते हैं उन पर गिर जाती है और वो पिग्स मर जाते हैं और गेम ओवर हो जाता है। तो अब समझने वाली बात यह है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे है। तो अगर हम ध्यान से इसको देखें तो हमारी जो एंग्री बर्ड थी वो हमारी एंग्री बर्ड आगे भी गई और ऊपर भी गई। जो चेंज इन डायमेंशन आया वो एक्स डायमेंशन में भी आया और वाई डायमेंशन में भी आया। तो ये टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। इसलिए यही हो, इसलिए हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमारा होता है वो थ्री डायमेंशन में भी हो सकता है, बट यहाँ पे अभी हमारे जो अभी हम करेंटली टू डायमेंशनल मोशन से ही अभी हम करेंटली टू डायमेंशन से ही स्टिक करते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा कंपोनेंट जेड की तरफ दे देंगे तो ये थ्री डायमेंशनल में हो जाएगा, बट अभी हम टू डायमेंशनल मोशन ही समझते हैं। तो यार, जैसे कि फिजिक्स के हर चैप्टर में कुछ टर्म्स होते हैं, तो हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कुछ टर्म्स होते हैं। मैं इसको जब खींचता हूँ तो इसको थोड़ी सी एनर्जी देता हूँ, इसकी जो गुलेल का इसका जो इलास्टिक है उससे, तो उसको थोड़ी सी वेलोसिटी मिलती है। अब ये जो वेलोसिटी होती है ना, इसको मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वाले वीडियो में भी बताया था, इसको मैं हॉरिजॉन्टल से थोड़े से एंगल पे देता हूँ, जिससे होता क्या है, इसका एक कंपोनेंट ये जो वी, अगर मैं इसको यू मान लूँ इनिशियल वेलोसिटी, और अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है और ये एंगल इनके बीच का थीटा है, तो ये वाला जो एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा इट विल बी यू कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इट विल बी यू साइन थीटा। तो जो यू कॉस थीटा है वो उसको आगे बढ़ाता है और जो यू साइन थीटा है वो उसको ऊपर चढ़ाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर यही चीज़, लेकिन यार सवाल उठता है कि यार ये जब ऐसे गई तो ये इसका ये जो कटोरे जैसा आप देख सकते हैं, ये जो डॉटेड पाथ है इसका डॉट 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 डॉट, ये मुड़ क्यों जाती है। तो यार, अगर इसी चीज़ को हम स्पेस में करते तो क्या होता, देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और एंग्री बर्ड्स है, एंग्री बर्ड स्पेस। तो यहाँ पे मैं एंग्री, यहाँ पे भी हमारी वो लाल वाली बर्ड है, इसको देखिए मैंने लिया और उसको छोड़ा, तो क्या हुआ, इसको भी मैंने हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पे वेलोसिटी दी थी यू, बट यार ये बैंड ही नहीं हुई, ये बिल्कुल सीधी चली गई। और जबकि हमारा ये जो देसी एंग्री बर्ड्स था, जो धरती वाला एंग्री बर्ड्स था, इसको मैंने वेलोसिटी दी थी तो ये बैंड हो गई थी। इसका जो पाथ है, जो उल्टे कटोरे जैसा है, पैराबोलिक पाथ है, वो पैराबोलिक पाथ आया, बट वहाँ पे जो पाथ आया वो स्ट्रेट लाइन आया। अब इसका रीज़न क्या है, तो यार इसका रीज़न है ग्रेविटी। हमारी धरती पर ग्रेविटी होती है, हम सबको पता है। तो यार, ग्रेविटी के कारण क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, इसका एक कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, एंड एक कंपोनेंट होता है वाई एक्सिस पे दैट इज़ यू साइन थीटा। तो ग्रेविटी कंटिन्यूसली जो होती है ना वो नीचे लगती रहती है। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जी, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों में से आप कुछ भी मान सकते हैं। तो वो जो जी होता है वो कंटिन्यूसली हमारा नीचे की तरफ खींचता है, मतलब वाई डायरेक्शन में खींचता है, वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ खींचता है। तो उससे क्या होता है गाइस, जो हमारा ये वाला कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, इस पे तो कोई चेंज नहीं आता, पर जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, वो कंटिन्यूसली कम होता जाता है, कम 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 होता जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, आप ये पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, जो सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ पे पहुँचते 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 वो जीरो ही हो जाता है। उससे क्या होता है, गया 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 जीरो हो गया, और जब तक इसका जो यू कॉस थीटा ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हमको जो रिजल्टेंट मोशन मिलता है वो एक पैराबोलिक, जो कटोरे वाला मोशन है, जो कटोरे जैसा फिगर बना हुआ है, एक पैराबोलिक पाथ मिलता है, इस पाथ को पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, ठीक है। अब यार, जैसे फिजिक्स के हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टर्म्स होते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कुछ टर्म्स होते हैं। तो पहला टर्म तो वही हो गया इनिशियल वेलोसिटी यू, हमने इसको कितनी वेलोसिटी दी, ठीक है, कुछ एंगल पे दे दी। और दूसरा जो हमारा टर्म होता है वो होता है रेंज।
अब यार रेंज क्या होता है, जैसे हम एंग्री बर्ड्स की बात कर लें तो यहाँ पे हमारे जो टारगेट्स हैं वो पिग्स हैं, तो जो पिग्स हैं वो एंग्री बर्ड्स से थोड़े डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो यार वो कितने आगे रखे हुए हैं पीछे रखे हुए हैं, जो दूरी होती है ना यार जहाँ पे प्रोजेक्टाइल गिरता है और जहाँ से वो स्टार्ट होता है, इन दो पॉइंट्स की जो दूरी होती है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको बोला जाता है रेंज। और तीसरा जो हमारा टर्म होता है वो होती है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट भी रेंज से सिमिलर है, बस अंतर यह होता है जो मैक्सिमम हाइट होती है वो वाई डायरेक्शन में होती है। तो यार होता क्या है, आप देख सकते हैं ये वाली जो डायरेक्शन है, मतलब जहाँ से एंग्री बर्ड स्टार्ट हुआ और वो मैक्सिमम वाई डायरेक्शन में वर्टिकली कितना हाइट पे जाता है, ये जो मैक्सिमम हाइट होती है इसी चीज़ को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। एक्चुअली हाइट तो कई सारी होती है, आप ये निकाल सकते हैं, बट हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, क्योंकि वही एक हाइट है जिसके ऊपर वो नहीं जा पाएगा, ये मैक्सिमम अचीव हो सकता है। ठीक है गाइस, ये दो टर्म होते हैं। और तीसरा जो चौथा सबसे मेन टर्म है वो होता है प्रोजेक्टाइल। ही क्या होता है, तो गाइस जैसे कि ये जो जिस भी चीज़ को, जो भी चीज़ इन शॉर्ट में बोलूँ, जो भी चीज़ प्रोजेक्टाइल मोशन करती है उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। हमारे केस में प्रोजेक्टाइल मोशन कौन कर रही है, एंग्री बर्ड, तो एंग्री बर्ड इज़ द प्रोजेक्टाइल। या फिर ऐसा बोल सकते हैं जिस भी चीज़ को फेंका जाए वो प्रोजेक्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मिसाइल शूट करी एक पॉइंट से तो जाके किसी दूसरी कंट्री में गिर गई, तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल क्या होगा, मिसाइल। ये जो तीन फैक्टर्स मैंने आपको बताया ना, वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये तीनों ही फैक्टर्स या तीनों ही टर्म्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। वो कैसे होती हैं ये हम गेम से समझते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने मेरी एंग्री बर्ड ली और उसको बस ऐसा है किसी भी एंगल पर छोड़ दिया, ठीक है। अब हम इसकी वेलोसिटी वेक्टर से थोड़ी खिलवाड़ करते हैं, ओके। तो ये मैंने इसको छोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं ये जो पाथ बना। हाँ मैं एक टर्म बताना भूल गया आपको, एक लास्ट टर्म होता है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब गाइस ये जो डॉटेड पाथ आप देख रहे हैं ना, ये जो कटोरे जैसा पाथ बना हुआ है डॉटेड, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। मतलब प्रोजेक्टाइल जिस पाथ से होते हुए जाता है, जिस पाथ को ट्रेस करता हुआ जाता है, उस पाथ को बोला जाता है ट्रेजेक्ट्री। ओके। तो अब मैंने इसको जैसे यहाँ पे फेंक दिया, अब मैं फिर से एंग्री बर्ड लेता हूँ और इसको, अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैंने ऐसा फेंका था, अब मैं इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो अब देखिए जैसे ही मैंने इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बढ़ाया, तो ये जो मैक्सिमम हाइट इसकी जो थी, पहले इतनी हाइट पे जा रहा था, अब वो इतनी हाइट पे जा रहा है। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, जो इसकी मैक्सिमम हाइट थी, मैंने जैसे ही इसका एंगल एक्स एक्सिस से बढ़ाया, तो हुआ क्या, ये जो यू साइन थीटा थी इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन भी बढ़ गया। तो हमें जो मैक्सिमम हाइट अब मिली है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा मिली है। लेकिन हुआ क्या, जैसा कि ये कंपोनेंट इसका बड़ा, सिमिलरली ये जो वाई एक्स एक्सिस में कंपोनेंट था ये घट भी गया। तो उससे हुआ क्या, पहले जो हमारा ये प्रोजेक्टाइल थी, एंग्री बर्ड थी, ये थोड़े आगे आके गिरी थी, बट अब इसका जो रेंज है, जो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है, वो कम हो गया एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। और फिर एक और बार मैं देखता हूँ, अब मैं इसको थोड़ा और वाई एक्सिस के जस्ट थोड़ा और एंगल बढ़ा देता हूँ, मतलब वाई एक्सिस के बहुत करीब कर दिया मैंने कंपोनेंट। तो ये मैंने वाई एक्सिस किया और ये गई, ये सेम ही पाथ पे चली गई। चलिए मैं अब क्या करता हूँ, इसको एक्स एक्सिस में थोड़ी सी एनर्जी दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, जो कंपोनेंट था ना वो पहले ऐसा था नियर टू वाई एक्सिस, अब मैंने इसको झुका झुका के बस एक्स एक्सिस के बहुत क्लोज कर दिया, मतलब एंगल जो था एक्स एक्सिस उसको मैंने बहुत कम कर दिया है। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, ओ ये गया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, जो इसकी अब मेरे को हाइट मिली है वो पहले की हाइट से बहुत कम है, लेकिन जो मेरे को इसका डिस्प्लेसमेंट मिला है, कौन से डायरेक्शन में मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट मिला है, एक्स डायरेक्शन, जो रेंज मिली है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। पहले जो एंग्री बर्ड थी हमें वो यहीं गिर गई थी, अब वो थोड़े आगे आके गिर रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे कि अगर एक कंपोनेंट वेलोसिटी एक कंपोनेंट में एक साइड अगर एक डायरेक्शन में बढ़ती है, तो जो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो उस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी, बट साइमल्टेनियसली इसकी जो रेंज होगी वो कम हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी वाइड एक्स डायरेक्शन में बढ़ती है तो उसकी जो रेंज होगी वो बढ़ जाएगी, पर उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कम हो जाएगी। तो जो तीनों टर्म्स हैं एक जो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो मेरे को लग रहा है अब आपको हल्का हल्का सा फील आ रहा होगा कि यार ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। एक्चुअली इसके कई सारे डेरिवेशंस होते हैं रेंज के, अब जो रेंज है ना इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ फार्मूला। तो रेंज का फार्मूला आता है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आता है, ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ये जो ट्रेजेक्ट्री मिली ना इसकी भी हमें इक्वेशन निकालना पड़ती है। एक्चुअली आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक टाइप का ज्योमेट्री है पैराबोला, तो पैराबोला की एक टाइप की इक्वेशन आती है, तो हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी फाइंड करनी पड़ती है। बट यार फाइंड करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझें कि ये चीज़ आती कैसे है। तो इस वीडियो का जो मेरा टारगेट था वो था एक प्रैक्टिकल फील लाना अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन।
इनका जो डेरिवेशन है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इंडिविजुअली सारे डेरिवेशन डिटेल में दिखेंगे। अब यार इस पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि यार एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, मैंने उसको फेंक दिया, तो अब बताओ कि वो दो प्रोजेक्टाइल मोशन, दो आके एंग्री बर्ड आके टकरा गई, दो प्रोजेक्टाइल कहाँ टकराएंगे, उनकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, अगर मैं इतनी हाइट से फेंकूंगा तो कहाँ करेंगे। अब यार ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसके कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स कैसे होते हैं? पहला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन लेवल प्लेन। लेवल प्लेन मतलब जो अभी हम देख रहे हैं ग्राउंड पर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन लेवल प्लेन। अब जो दूसरा टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो होता है पहाड़ वाला, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। यार उसमें कुछ नहीं होता है, जैसे अभी प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने नॉर्मल जमीन पर फेंका, उसमें पहाड़ होगा, पहाड़ पर हम ऐसा फेंक रहे होंगे। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, ये जो हमारे कंसेप्ट होते हैं ना वो उसमें भी एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट होता है, बस उसमें हमारा जो एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट होता है ना, अभी जो एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट हमारा इफेक्ट कर रहा है वो बस एक्स वाई वाले कॉम्पोनेंट को कम करता है। लेकिन जब हम पहाड़ पे फेंकते हैं ना तो वो वाई वाले कॉम्पोनेंट को भी कम करता है और वो एक्स वाले कॉम्पोनेंट को भी कम करता है। तो हमको ये जो ट्रेजेक्ट्री मिलती है, ये ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक नहीं मिलती है, हल्की सी ऐसी जाती है और फिर हल्की सी चपटी हो जाती है, तो वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। और जो तीसरा केस होता है यार वो कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पे मेरे पास टेप है मेरा, तो उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिल्डिंग पे हूँ, बिल्डिंग की खिड़की से मैंने किसी चीज़ को ऐसा फेंक दिया तो वो कैसे गई, स्ट्रेट गई और फिर ऐसे 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 गिर गई, तो ये भी एक टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये थर्ड केस होता है। तो ये जो तीनों केस होते हैं, हम तीनों केस को डिटेल में पढ़ेंगे, तीनों केस में रेंज निकालना सीखेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालना सीखेंगे, इनके कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। बट अभी के लिए आपको प्रोजेक्टाइल मोशन समझ आ गया होगा। और वीडियोस देखने के लिए आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें, मैं कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करूंगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ पे कोई भी चीज़ नहीं समझ आई हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंटरटेनमेंट एजुकेशन, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।